अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपकी खिदमत में मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ दो वीज़े। दोनों वीज़े मुझे बड़ी आसानी से मिले हैं, कोई मुझे मुश्किल नहीं हुई, कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, पासपोर्ट की कापी और आईडी कार्ड की कापी और पिक्चर्स, यही मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और मुझे बआसानी से वीज़ा मिल गया। ठीक है, मैं बाई रोड सफ़र करने जा रहा हूँ टर्की, तो मैंने सोचा बाई रोड टर्की के लिए फिर मैं अजरबैजान भी ऐड कर लूँ। तो मैंने फिर तीन कंट्री का प्लान बना लिया, ईरान, अजरबैजान और टर्की। टर्की की जो किमलिक है मेरे पास TRC, तो इसका तो मुझे वीज़ा नहीं चाहिए, और दूसरे जो अजरबैजान और ईरान उसका मुझे वीज़ा चाहिए था। ठीक है, फिर मैंने अजरबैजान का ऑनलाइन वीज़ा ही अप्लाई किया, ये वीज़ा। ठीक है, ये वीज़ा मुझे मिल गया। ठीक है, ये इसकी $26 फीस है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5,000 के राउंड बोर्ड बनते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल वीज़ा मैंने अप्लाई किया था, तो 3 दिन का टाइम था, लेकिन मुझे 24 घंटे के अंदर वीज़ा रिसीव हो गया था। ठीक है, आजकल उनका सिस्टम थोड़ा तेज़ है, और अजरबैजान का भी मिल गया, टर्की की TRC भी मेरे पास है, और अब मुझे चाहिए था ईरान का वीज़ा। ठीक है, और ये रहा मेरा ईरान का वीज़ा। ईरान कौंसलेट भी गया, ठीक है, ईरान कौंसलेट गया, जाके मुझे बड़ा इजी वीज़ा मिल गया। मैंने सोचा था थोड़ा टफ होगा, लेकिन बड़ा इजी वीज़ा था। मैंने ट्रांज़िट वीज़ा लिया था, ट्रांज़िट वीज़ा। ठीक है, ट्रांज़िट 7 दिन का मुझे वीज़ा मिला, तो नॉर्मल फ़ीस जो थी 4,400 थी, और अर्जेंट फ़ीस 6,600 थी, तो मैंने अर्जेंट ही बेहतर समझा, तो मैंने अर्जेंट वीज़ा लिया। ठीक है, तो कौंसलेट में 18-19-20 साल के भी लड़के आए थे ईरान कौंसलेट में वीज़ा के लिए। कोई लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, कोई लोग ज़ियारती वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उस दिन 35-40 लोग थे, तो सबको वीज़ा मिल गया। ठीक है, किसी को वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, सबको वीज़ा मिल गया। जो ईरान का एम्बेसडर है लाहौर वाला, वो काफ़ी अच्छा है। मैं भी जब गया तो उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, उसने सिर्फ ये पूछा, मैंने कि उसको टर्की की TRC भी दी, लेकिन उन्होंने मेरी TRC नहीं ली। तो मैंने बस अजरबैजान और TRC दी, तो उन्होंने TRC मुझे वापस कर दी, अजरबैजान का वीज़ा भी मुझे वापस कर दिया, और मेरा फॉर्म कहा ठीक है आप अर्जेंट देना चाहेंगे या नॉर्मल, तो मैंने कहा मैं अर्जेंट ही देना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा आपको 3 बजे के बाद मिल जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी आप वेट करें बाहर जाके, तो मैं बाहर आ गया, तो वहाँ मेरा दोस्त आ गया अली लाहौर से, हम इकट्ठे तुर्की गए थे, तो वो मेरे साथ आ गया, और हम फिर लाहौर, उसने मुझे विज़िट करवाया, साहिल करवाई, खाना शाना खिलाया, तो बड़ा मज़ा आया। तो फिर जब हम खाना शाना खा के थोड़ा इन्जॉयमेंट करके वापस आए, तो 3:30 बजे हो गए थे, तो मैं गया, तो मैंने जाके अपना, जब 3:30 बजे तकरीबन पहुंचा, तो मैंने उसको टोकन दिया, तो उसने कहा था आपका वीज़ा आ गया, और उसने मुझे वीज़ा दिया और मैं वापस आ गया। तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो अगर टाइमिंग जो है वो तकरीबन 9 बजे एम्बेसी ओपन होती है, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अगर आप पहुँचें, तो फिर आपका यानी कि नंबर टोकन आपको मिल जाएगा। अगर इससे लेट होंगे 10:30 बजे के बाद, वो वीज़ा टोकन नहीं देते। ठीक है, तो आप कोशिश करें 10:30 बजे से पहले ही पहुँचें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको नॉलेज हो ही गया होगा एम्बेसी के बारे। मेरे ख्याल में वो सबको वीज़ा दे देते हैं, वो किसी को रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, वीज़ा वो आसानी से सबको दे दिया था। एक लड़का था गुजरात का, उसकी 19-20 साल एज थी, तो उसको भी बड़ी आसानी से वीज़ा दे दिया था उन्होंने। ठीक है, मैंने सोचा था इसको ज़रा हो सकता है कोई इंटरव्यू करें मुश्किल हो, लेकिन उससे कोई मुश्किल नहीं, उसे बड़ी आसानी से वीज़ा मिल गया। ठीक है, तो अब मैं सफ़र करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाई रोड ईरान से अजरबैजान, अजरबैजान से टर्की। तो मैं आपसे ज़रूर हर अपडेट शेयर करूँगा, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो आपके अजरबैजान वीज़े के बारे में या ईरान के वीज़े के बारे में या तो मैं मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।